हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई कृष्णा दत्त में। लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी उस वीडियो को अच्छे से नहीं कंप्लीट किया है तो उसको देखिए। एज आई से कंसेप्ट इज़ पावर। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैसे हम एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है, सबसे पहले उस फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आफ्टर डैट आपको जो है इस वीडियो का बेनिफिट होने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स ने उसको देख लिया है उनके लिए आज हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसको रीड आउट कीजिए। ये जो हमने लास्ट टाइम सीखा था वो बेसिक था आपका, अब आपकी नई टाइप स्टार्ट होती है आज से, कि दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति काम स्टार्ट करते हैं, बीच में काम छोड़ छोड़ कर जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर इसको बनाते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। ए एंड बी कैन कम्प्लीट अ टास्क इन 10 एंड 15 डेज सेपरेटली। दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर। After 4 days of start, A left the work and remaining work is done by B. Then calculate time taken by them to complete the task. A and B can complete a task in 10 and 15 days separately. They start doing work together. After 4 days of start, A left the work and the remaining work is done by B. Then calculate time taken by them to complete that work. तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है इस चैप्टर के अंदर कितना भी टफ क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, इफिशेंसी आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग क्वेश्चंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसका पैटर्न चेंज होता जाएगा, टोटल वर्क कैलकुलेट करने का और इफिशियंसी कैलकुलेट करने का। लेकिन ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आप इनका टोटल वर्क निकालिए 30, जो दोनों संख्याओं से कट जाएगा ऐसा नंबर। इनकी इफिशियंसी हमने कल सीख लिया था, 30 को डिवाइड किया 10 से, 10 दिया 30, 15 दुनी 30। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। यहाँ तक देखिए, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये आप लास्ट क्लास में कंसेप्ट में सीख चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन क्या था, जैसे अगर थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं हम अपनी स्टोरी से, जैसे मान लिया ये दीवार बनानी थी, ए ने कहा कि अगर मेरे से अकेले से बनवाओगे मैं 10 दिन लगाऊंगा। बी से पूछा, बी ने कहा कि अगर मुझसे अकेले से बनवाओगे तो मुझे इस अकेली दीवार, मुझे अकेले को करने में लग जाएंगे 15 दिन। तो हम क्या करते थे, लास्ट टाइम जो हमने सीखा था, दोनों को एक साथ लगा दिया, शुरुआत से एक साथ शुरू किया है और बनाते बनाते उन्होंने जो है लास्ट तक उसको कंप्लीट करने तक साथ रहे। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है। इस केस में क्या हुआ, कई बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ मजदूरों को काम करने पर लगा दिया, कुछ दिन बाद आपको एक ऐसा लगता है कि अच्छा से काम, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप उसको जो है काम से हटा देते हैं किसी भी रीजन, या उसकी तबीयत खराब हो गई है तो उसको काम छोड़ना पड़ गया है। उस केस में क्या होता है, तो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि हमें जो है एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लिया ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो दीवार का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसको लाइन से ड्रॉ करते हैं। मान लिया ये एक लाइन जो हमने बनाई है दीवार को शो कर रही है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारी दीवार नीचे से बनके कंप्लीट हो जाती है। उसने बोला कि दोनों आदमी काम करना स्टार्ट करते हैं, दोनों से काम स्टार्ट करा दो ए प्लस बी। ये दीवार बननी शुरू हुई ऐसे 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद का मतलब है 4 दिन तक दोनों साथ रहे, 4 डेज। 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, जो चला गया उसको लिख करके काट दो। कौन बचा, बी। बी बचे हुए काम को यहाँ से आगे कंप्लीट कर देगा। अब बात यह आ जाती है कि जैसे मान लिया सपोज डेट ये दीवार थी, दोनों आदमियों ने इसको बनाना स्टार्ट किया, ये बनती जा रही है, 4 दिन हुए, यहां पर जाने के बाद एक आदमी काम छोड़ के चला गया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति बचा वो इसको दोबारा तोड़ के फिर से स्टार्टिंग से बनाएगा। तो जहां तक काम हो चुका है पहले उसको कैलकुलेट करो, बचे हुए काम को बचे हुए व्यक्ति से कैलकुलेट करा दो, वो उसको कंप्लीट कर देगा। तो वही काम हमें यहां पर करना है, दोनों आदमियों से पहले 4 दिन काम कराओ। दोनों आदमी 4 दिन में कितना काम कर देंगे, ये अपने हिस्से का करेगा, ये अपने हिस्से का करेगा, 3 और 2 5, 1 दिन में कितना हुआ,
पांच, और 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो पहले दिन 5 हुआ, दूसरे दिन 5 हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो 5 चौक 20। अब उसके बाद आपने इतना टोटल, हमने इसको माना है 30, ये पूरी लाइन मान लिया 30 काम दर्शा रही है, उसमें से आपने इतना कैलकुलेट कर लिया है 20, तो 30 में से अगर 20 को माइनस कर दे जितना हो चुका है तो कितना बचता है आपका 10। अब इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है, यहां पर जाने के बाद ए चला गया, तो बचा हुआ कौन व्यक्ति है, बी। 20 बचे हुए काम को कंप्लीट करेगा, वो आपने निकाल लिया, बचा हुआ काम कितना है 10। अब इसको केवल बी से कराइए, ए तो जा चुका है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, 2 से काट दिया, ये आ गया आपका 5। अब इस 5 को आप यहां पर लिखिए और इसको हम कर देते हैं सर्कल में, जिससे कि आप ये जान पाए कि भाई हमने इसमें ये वाली चीज कैलकुलेट करी है, 5 days। ये केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको सर्कल में कर दिया है, जिससे कि आप ये समझ पाए कि हमने इसमें ये चीज कैलकुलेट की है। देखिए एक बार फिर से, एक बार जो है इस क्वेश्चन को मैं एक बार शुरुआत से समझाता हूँ आपको। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, दोनों का टोटल वर्क आया 30, 10 या 30, 15 दुनी 30। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, टोटल काम निकाल लिया, उन दोनों की क्षमता निकाल ली। ये चीजें जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, टाइम एंड वर्क के दोनों बातों का पता होना चाहिए। अब दोनों से काम स्टार्ट कराया, दोनों यहां से इस पॉइंट से काम करना शुरू करते हैं, ये दीवार बनानी स्टार्ट की, मान लिया यहां पर जाकर के जो है ए चला गया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ये 4 दिन तक दोनों साथ काम करते रहे, उसके बाद ए चला गया, बचे हुए काम को कौन करेगा, बचे हुए व्यक्ति को लिख दिया। अब आपको इस बात, इस वाले क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है, बच्चे क्या गलती करते हैं जब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जनरली वो गलत ड्रॉ करते हैं, जिससे कि आगे आपको आंसर कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। ये लाइन खींच दी, कहा दोनों ने शुरुआत की, वो इसको यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहां से शुरुआत की, 4 दिन को यहां लिखा जाएगा, फिर ए यहां पर काट दिया, बी यहीं लिख देते हैं, तो देखो सिक्वेंस कितनी गड़बड़ हो जाती है, इसको पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर मैनर में बनाओ, यहां से पॉइंट, इस पॉइंट से दीवार बननी स्टार्ट हुई, यहां तक ए ने काम किया, तो इन दोनों को जो ये थे इस गैप के बीचों बीच लिखिए और उसके सामने टाइम लिखो, तो इसको पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी। फिर ए चला गया लाइन के इस पॉइंट, इस पॉइंट पर ए गया था, उसके सामने ए को लिखा, काट दिया, बचे हुए काम को बी ने किया है, तो इस पूरे स्पेस के बीचों बीच हमने बी लिखा और जो समय उसका निकल गया उसके सामने लिखा। तो अब यहां पर देखो, अगर दोनों से 4 दिन काम करा रहे हैं तो ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी। अब ए चला गया, बी यहीं पे लिख दिया, तो इसको जो है रीड आउट करने में, अभी तो 2 आदमी हैं, जब आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से बनाए। अब देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन में, इसमें तो आपसे पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, अब आपको ये लग रहा होगा कि जी ये लाइन खींचने की क्या जरूरत है, 2 आदमी हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको बार बार सॉल्यूशन देखने की या लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 आदमी है तो क्या क्या बातें निकाल सकते हैं। उसने कहा बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, आपने देखा यहाँ से इस पॉइंट तक, तो केवल चित्र देखिए, 4 दिन ये लगे, 5 दिन है, तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन। आपसे दूसरा सवाल पूछा गया, बताइए बी अकेला कितने दिन काम करता है, तो बी यहाँ से अकेला हो गया है, यहाँ से यहाँ तक बी ने काम किया तो कितने दिन निकल गए, 5 दिन। आपसे पूछा गया बताइए टोटल जो है बी ने कितने दिन तक काम किया है, बी कुल कितने दिन काम करता है, बी शुरुआत से था और यहां तक था, तो बी कुल कितने दिन काम करेगा, 9 दिन। केवल और केवल लैंग्वेज बदली है, टोटल काम कितने दिन में हुआ, 9 दिन में, बी ने कुल कितने दिन काम किया, 9 दिन। आंसर वही है लेकिन पूछने का तरीका बदल गया, बी अकेला कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन। यहां पर 2 आदमी है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जैसे आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जो है आपके बदल जाएंगे या ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बार बार आपको जो है फिर सोल्यूशन देखने की या लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। तो यही प्रैक्टिस जो है, एक बार आप 2 आदमियों पर पहले अगले वाले सवाल को, आप अगर आपके समझ में आ गया है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल सेम है, केवल और केवल डिजिट्स आपकी चेंज की गई है, पहले इसको पढ़िए एक बार, देखिए अगर कोई डाउट नहीं है तो। चलिए अब जो अगला सवाल है वो आपको खुद बना के देखना है, कोई भी डाउट आएगा फिर जो है मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम है, नीट एंड क्लीन अपना जो है आपको फिगर ड्रॉ करनी है।
जिससे आप तेजी से जो है क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाए। चलिए भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए, बताइए जल्दी। देखते हैं, इसने कहा ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है, दोनों आठ एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कंप्लीट करता है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी स्पीक द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 एंड 30 डेज सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर, आफ्टर 8 डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई बी, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द होल टास्क। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, दोनों का टोटल वर्क निकाला 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, एक ही क्षमता ही, एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब दोनों को एक साथ लगाए, लाइन ड्रॉ करो, जैसे दीवार है नीचे से तो बननी स्टार्ट होगी इस तरीके से, ऐसे ही हम इस दीवार की जगह इस लाइन को मान रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है दीवार बननी स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पर जाके खत्म हो गई, दोनों ने स्टार्ट किया है, दोनों को लिखो। हो सकता है केवल जब हम कंसेप्ट सीख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है। दोनों से काम स्टार्ट कराया, फिर कहा 8 दिन के बाद, तो दोनों काम करते हुए जा रहे थे, दीवार बनती जा रही थी, मान लिया यहां तक बन गई 8 दिन के बाद, तो 8 दिन तक दोनों साथ रहे, ए ने काम छोड़ दिया, काम बी भी छोड़ सकता है, आगे हम सीखने वाले हैं किसी से भी काम छोड़वा सकते हो आप, किसी को भी बुला सकते हो काम पर, जो बचा उसको आगे लिख दो, इसने रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर दिया। तो दोनों से जो जितने दिन तक रहा है टोटल ये 60 है, पहले दोनों से 8 दिन काम कराओ, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5, 8 दिन में कितना कर देंगे 40, 60 में से 40 हो चुका है, कितना बचा 20, इस 20 काम को कौन करेगा, बचा हुआ आदमी बी बचा है, तो बी एक दिन में कितना करता है 2, कितना आ गया 10। अब ये जो 10 आया है ये हमने यहाँ पर लिखा और इसको सर्कल में कर दिया, जिससे कि हमें ये पहचान रहे कि भैया हमने नीचे वाले नंबर में और इसमें क्या कैलकुलेट किया है। अब अपने आंसर की तरफ देखिए, उसने कहा था टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कंप्लीट हो गया 8 और 10, 18 दिन का आपका जो है आंसर हो जाता है। और अगर पूछा जाए बी अकेला कितने दिन काम करता है, तो बी अकेला जब सिंगल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक रहा है 10 दिन काम करेगा, बी कुल कितने दिन काम करता है, शुरुआत से बी था और लास्ट तक था, तो भी आंसर कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका आंसर है वो कितना बनने वाला है 18 डेज, ये आपका आंसर हो गया। पिछले वाले सवाल में आपका आंसर, हमने आंसर नहीं लिखा था यहां पर, ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया था, टोटल काम कितने दिन में हो रहा था 9 डेज। जितनी बातें पॉसिबल हैं हम निकाल सकते हैं, हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, बिल्कुल सेम था। अब जो आपके आदमी हैं उनकी संख्या को बढ़ाते हैं जिससे कि आपके और क्वेश्चन बन पाए। देखो यहां पर आपके 3 व्यक्ति आ गए हैं अब काम करने के लिए, अब यहां पर आपके 3 व्यक्ति आ गए हैं, जल्दी से एक बार आप इसको कंप्लीट करें, ट्राई करके देखें एक बार इस क्वेश्चन को, टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो, अगर ये दो बातें आपने निकाल लिया उसके बाद लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं एक बार इंग्लिश में इसको रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन को, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10, 15 एंड 30 डेज सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10, 15 एंड 30 डेज सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर, आफ्टर 3 डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 3 डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज ऑफ हिम, एक ही बात कर रहा है, आफ्टर 3 डेज ऑफ हिम बी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी, देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल टास्क, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10, 15 एंड 30 डेज सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर, आफ्टर 3 डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 3 डेज ऑफ हिम बी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द होल टास्क।
करिए। आई होप आपसे जो है क्वेश्चन काफी बन गया होगा। इसने कहा सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब तक आपको काम नहीं पता होगा काम कितना करना है, क्वेश्चन में आगे आप क्या करेंगे और इफिशियंसी नहीं पता होगी। तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना आ गया हमारा 30। इनकी क्षमता निकालिए, 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। एक दिन में दो काम करेगा, बी एक दिन में, ए एक दिन में तीन काम करेगा, बी एक दिन में दो काम करेगा और सी एक दिन में एक काम करेगा। अब मान लिया ये दीवार बनानी थी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ऐसे चलती गई और यहाँ पर ये काम कंप्लीट हो गया। इसने कहा तीनों एक साथ लगते हैं, तीनों को लगा दिया काम पर। 8 दिन के बाद ये दीवार ऐसे बननी हमारी स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पर आकर मान लिया 8 दिन के बाद ए चला गया छोड़ के। जब ए चला गया तो अब कौन बचा? बी बचा, बी और सी। अब ये दोनों आपके जो है काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ए के उसके कितने दिन बाद, सॉरी इसमें 8 नहीं बोला है, 3 बोला है कि हमने 8 लिख दिया यहां पर। ये कितना है? 3 दिन, तीनों ने 3 दिन तक साथ किया। 3 दिन के बाद ए चला गया। अब ए के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बी भी चला गया। तो जी बी को रख के बी को काट दिया। अब कौन बचा? सी। सी बचे हुए काम को कंप्लीट कर देता है। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहां से जिसने जितने दिन काम किया है उनसे काम को कंप्लीट कराइए। टोटल 30 था, पहले इन तीनों से 3 दिन काम कराओ, फिर दोनों से 3 दिन काम कराओ, इतने को कैलकुलेट कर लो, टोटल में से इसको घटा दो, बचे हुए को बचे आदमी से काम करा देंगे। तो अब हम देखते हैं तीनों से 3 दिन काम कराना है, ये अपने हिस्से का करेगा, ये अपने हिस्से का, अपने हिस्से का। 3 2 5 और 1 6, तो एक दिन में कितना हुआ? 6। और 3 दिन तक ए बी सी ने 3 दिन तक साथ काम किया तो 18, तो ये हो गया। तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हमें 18 काम मिल चुका है। फिर बी और सी का निकालो, बी और सी 3 दिन तक काम करते हैं, बी और सी का, तो बी एक दिन में 2 करेगा, सी एक दिन में 1, तो टोटल एक दिन में 3 हुआ। और ये आपका 3 दिन ये हमें लेना है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो डेज लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 डे बोल दो इसको। 18 आ गया था, तो एक दिन में 3 हुआ, 3 दिन में कितना हो गया? 9। अब बचे हुए काम को तो देखो कितना हो गया, ये 18 आया, 9 आया, टोटल ये 27 हो चुका है। कंप्लीट 30 था, 30 में से 27 हो गया, तो जो हो गया उसको निकाल दो, 3 बचा। अब इस 3 बचे हुए काम को कौन करेगा? बचा हुआ आदमी कौन बच रहा है? सी बच रहा है, सी से कराइए। सी एक दिन में कितना कर देता है? 1, तो कितना आ गया? 3। तो जो आप ये कैलकुलेट करके लेके आए हो इसको हमने यहाँ पर लिखा 3 डेज और इसको कर दिया सर्कल में। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे अब क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आप सपोज डैट इस पिक्चर को ड्रॉ नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता ड्रॉ करने में, अगर आप इस पिक्चर को ड्रॉ नहीं करते मैं आपके सामने इसको छिपा देता हूँ। ये देखिए ये आपके सामने अगर ऐसे छिपा दी गई है तो, और आपसे पूछा गया बताइए बी और सी कितने दिन तक साथ रहे, तो या तो लैंग्वेज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन की, या इस सॉल्यूशन को फिर से देखना पड़ेगा। आपसे पूछा गया बताइए बी अकेला कितने दिन तक रहा, सी और ए ने कितने दिन तक साथ काम किया, या सी अकेला कितने दिन काम करता है, या सी ने कुल कितने दिन काम किया। ये सारी बातें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को या तो दोबारा रीड आउट करना पड़ेगा या इसमें सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा। अगर आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं तो इसकी हेल्प से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि अब ना तो मुझे सॉल्यूशन देखना है ना ही मुझे इस लैंग्वेज को देखना है। यहाँ से देखिए कहा गया टोटल बताओ कितने दिन में हो गया, तो 3 और 3 6 और 3, 9 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो गया। सी ने कुल कितने दिन काम किया? सी कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी था शुरू में, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो लास्ट तक रहा है शुरू से। तो टोटल सी कुल कितने दिन काम करता है? 9 दिन काम करता है। बताइए सी अकेला कितने दिन काम करेगा? सी अकेला काम कर रहा है आपका 3 दिन। बताइए बी और सी कुल कितने दिन काम करते हैं साथ में? तो बी और सी शुरू से साथ थे और यहाँ तक साथ रहे थे, उसके बाद फिर जो है सी अकेला हो गया, तो 3 और 3 6, 6 दिन तक बी और सी साथ काम करते हैं। आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था बताइए काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 और 3 6 और 3 9। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इस क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करने के बाद जो चाहे बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हमारा कितना बन जाता है? आंसर बन जाता है 3 6 और 3 9 डेज इज योर आंसर। देखिए बच्चों अगर आपके ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इस कंसेप्ट में आपको दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट छोड़िए, फिर से आपको जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा अगर कोई भी डाउट बनता है।
आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को आपको जो है समझाने की कोशिश की है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी एक बार आप देखो, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर आपसे बन जाता है तो इसका मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, सेम है, बस आपकी डिजिट चेंज की गई है जिससे कि आप इसमें जो है प्रैक्टिस बना पाए अपनी। मैं तब तक इंग्लिश में रीड करता हूँ। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15, 20 एंड 30 डेज सेपरेटली। दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर। आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट, ए लेफ्ट द वर्क, एंड आफ्टर 4 डेज ऑफ हिम, बी लेफ्ट द वर्क। रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द होल टास्क। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15, 20 एंड 30 डेज सेपरेटली। दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर। आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट, ए लेफ्ट द वर्क, एंड आफ्टर 4 डेज ऑफ हिम, बी लेफ्ट द वर्क। रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द होल टास्क। जल्दी से बनाइए। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना। जब तक आप टोटल वर्क नहीं पता होगा और क्षमता नहीं पता होगी, क्वेश्चन को हिलाया नहीं जा सकता। पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में ये गांठ बांध लो कि टोटल वर्क और क्षमता हमें पता ही होनी चाहिए, तब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फोकस रखिए कि कैसे भी करके हमें इन दोनों चीज़ों को निकालना है। इनके निकलते ही क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है आपका। जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर छोड़िए अपना कमेंट सेक्शन में, तेजी से काम करिए। सभी बच्चे ट्राई करें, जितना आप कोशिश करेंगे समझने के बाद कंसेप्ट को लगाने की, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए देखिए, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसने कहा ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। टोटल वर्क निकालिए, तीनों का एलसीएम कितना बनेगा? 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये इनकी क्षमता आ गई, टोटल वर्क आ गया। ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अब हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है। तीनों को एक साथ काम कराइए, काम पर लगाइए। देखो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मान लिया इस पॉइंट से सपोज डेट दीवार बननी स्टार्ट हुई और ये बनते 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 आपकी इस पॉइंट पर आकर के फिनिश हो गई है। इसने कहा है तीनों को काम पर लगाइए, तीनों को काम पर लगा दिया। ये लो जी ए बी और सी, तीनों काम स्टार्ट करते हैं एक साथ 4 दिन के बाद। तो 4 दिन तक साथ रहे, जब ये काम यहाँ से करना स्टार्ट किया, तीनों एक साथ काम कर रहे थे 4 दिन के बाद। ये 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन के बाद ए चला गया, बी भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो कौन कौन बचा उसको लिखो। जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है ऐसे चलते चले जाइए, बी और सी बचा। अब उसके 4 दिन बाद, जैसे ही ए गया उसके 4 दिन बाद कौन चला गया? उसके 4 दिन बाद भैया बी भी चला जाता है, सी भी जा सकता था। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। तो जैसे जैसे आपके सामने पिक्चर ड्रॉ हुई है और लाइन जो आई है, तो पहले इन तीनों से 4 दिन काम कराओ, इतना पता लग जाएगा। फिर बी सी से 4 दिन काम कराओ, ये पता लग जाएगा। इसको और इसको जोड़ लो, टोटल में से इतना हिस्सा घटा दो, बचा हुआ काम आ जाएगा। बचे हुए काम को कौन करेगा? बचा हुआ आदमी कंप्लीट कर देगा। देखिए काम कराते हैं तीनों से, 4, 3, 7 और दोनों, 1 दिन में 9 हुआ। अगर तीनों एक साथ करेंगे, 4 दिन तक साथ काम करना है, 9 चौक 36, तो इन तीनों ने कर दिया, इतना हिस्सा 36 आ गया। बी और सी से 4 दिन काम कराओ, बी और सी 1 दिन में कितना करेंगे? 5, और 4 दिन तक साथ किया 20 हो गया। तो ये आपका 36, ये 20, टोटल यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, कितना बना? 56। कुल 60 था, 60 में से 56 जो हम निकाल चुके हैं उसको घटा दो, 4 बचा आपका। इस बचे हुए काम को कौन करेगा? बचा हुआ आदमी। कौन बच रहा है? सी। सी 1 दिन में कितना करता है? 2। तो 2 दिन आपके यहाँ से ये निकल के आ जाते हैं, ये हमने 2 दिन लिखे यहाँ पर और इसको कर दिया सर्कल में, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया है। अब जल्दी से अपना आंसर रीड करिए। अब आपको ना सॉल्यूशन देखने की जरूरत है, ना ही लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए टोटल काम कितने दिन में होगा? 4, 4, 8 और 2, 10 दिन। बताइए सी कुल कितने दिन काम करता है? शुरू में था, बीच में भी था, यहाँ भी था, शुरू से लास्ट तक था, तो 4, 4, 8 और 2, 10 दिन। तो भी आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर पूछा जाए बताइए बी और सी कितने दिन तक साथ रहे, तो शुरू में साथ थे और यहाँ तक साथ थे, तो 4 और 4, 8 दिन आपका आंसर होगा। बताइए सी अकेला कितने दिन तक काम करता है, तो सी अकेला केवल यहाँ पर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो सारी बातें विद इन ए स्नैप ऑफ फिंगर बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी है एक बार।
बहुत आसान सॉल्यूशन इसका हो जाता है। तो इसका आंसर कितना बन गया आपका, 4 और 4 8 और 2 10 days। देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसको कंसेप्चुअली समझाने के लिए इतने बड़े बड़े में करने की जरूरत पड़ रही है, वरना इसी चीज को अगर आप बहुत छोटे में करना चाहें तो देखो जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कॉपी पेन से तो कॉपी पेन पर जो है इसको बहुत तेजी से छोटे से स्पेस में किया जा सकता है। एक इसी काम को कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है उसको कितना 30 दिन में, एलसीएम 60 आ गया, 15 चौका 60, 20 60, 30 दूनी 60, ये लाइन ड्रॉ करी, तीनों से एक साथ काम कराया, 4 दिन के बाद ए चला गया, फिर उसके जो है बी और सी, 4 दिन के बाद बी भी चला गया और सी बचा हुआ काम करता है, तो 3 और 4 3 7 और 2 9 9 चौक 36 डायरेक्ट लिखो, 4 दिन 4 3 और 2 5 5 चौक 20 56 हो गया, 56 माइनस कर दिया बचा आपका 4, और इस बचे हुए 4 को कौन कर देगा, सी, तो ये आपका निकल कर आ जाता है 2 डेज और टोटल आंसर आ गया 10 डेज। खत्म। छोटे से स्पेस में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, इतना बड़ा स्पेस नहीं लगता, ये तो समझाने के लिए थोड़ा सा जो है बड़े बड़े स्पेस में या बड़े फॉन्ट्स में लिखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसमें हल्का सा चेंज आया है, इसमें कहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 and 30 days सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टार्ट। पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था कब गया है वो, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टार्ट, ए लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई बी इन 5 days। पिछली बार बचे हुए काम को बी जब करता था वो हमें निकालना होता था, इस बार ये टाइम दिया है, पहले वाले का दे रखा था वो गायब कर दिया गया है। तो आफ्टर 5 days द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई बी इन 5 days, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मैनी डेज बी सॉरी ए लेफ्ट द वर्क। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 and 30 days सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टार्ट, ए लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई बी इन 5 days, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। करिए सबसे पहले तो वही काम है, टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, उनकी क्षमता हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं तो ए ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, टोटल काम कितना आया 60, 20 दिया 60, 30 दुनी 60। नंबर्स आपको ऐसे मिलने वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो है पेपर में आए हुए हैं, कोई एस एस सी जी एल में आया, कोई सी एच एस एल में आया, कोई आपका जो है एस आई में आया है, सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। तो नंबर्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसका देखते ही आप एलसीएम बना सकते हैं। यहाँ पर आपसे एलसीएम चैप्टर की नॉलेज नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट आपके कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से डील करते हैं, ये जानकारी आपसे जो है ली जा रही है। अब उसने कहा दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, बनाइए लाइन। मान लिया दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया, लो जी ये यहां से काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। चलते हुए कहा गया कि कुछ समय बाद, इस बार ये टाइम गायब है, पिछली बार हमें ये दे रखा होता था बचे हुए काम का हमें नहीं पता होता था, इस बार आपको जो है ये कहा है कि कुछ समय के बाद, मान लिया ये दोनों करते हुए जा रहे थे, यहां पर जाकर के ए काम छोड़ देता है, कितने दिन बाद छोड़ा है नहीं पता। तो जब ए चला गया कौन बचा, बी, बी यहां से आगे काम को कंप्लीट करता है और मान लिया यहां पर जाकर के काम को फिनिश कर देता है, तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में। इस बार आपको बी का टाइम दिया गया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको दिया गया है उसको आप कैलकुलेट करो, टोटल ये 60 आया है, बी से अगर हम 5 दिन करा दे तो ये पता लग जाएगा, टोटल में से इसको घटा दो, बचे हुए को दोनों से करा देंगे। अब बी से 5 दिन काम कराना है, बी एक दिन में कितना करता है,
बी एक दिन में करता है दो काम, एक दिन में दो करेगा, 5 दिन में कितना कर देगा, 10। तो इतना हिस्सा आपने यहां से यहां तक का कैलकुलेट कर लिया है, 60 में से ये हिस्सा कितना बैठ रहा है, 10। तो 60 में से 10 को माइनस कर दो, कितना बच गया, 50। ये 50 ऐसा काम है जो इन दोनों आदमियों ने किया है। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5, 5 से काट दिया 10। तो ये हमारा आ जाता है निकल करके 10 days। देखो इस बार हमने इस चीज को कैलकुलेट किया है। अब आंसर समझिए, क्वेश्चन में कहा गया था बताइए ए कितने दिन के बाद काम छोड़ देता है। ए ने यहां पर काम छोड़ा था, यहां से काम स्टार्ट हुआ था, यहां चला गया था। जब तक आप इस चीज को कैलकुलेट नहीं करोगे नहीं बता सकते। तो आंसर आया कि 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इसी में अगर आपसे पूछा जाए बताइए ए और बी कितने दिन साथ काम करते हैं, तो ए और बी कितने दिन तक साथ रहे, 10 दिन तक साथ रहे। बताइए टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो यहां से लेकर के यहां पर फिनिश हुआ है 10 और 5 15, तो टोटल कितने दिन लग गए, 15 दिन। आपसे पूछा गया बताइए बी अकेला कितने दिन काम करता है, ये तो खैर गिवन ही है कि बी अकेला 5 दिन में उसको कंप्लीट करता है। बी बताइए कुल कितने दिन काम करता है, तो बी शुरू से था और लास्ट तक था। तो जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे बी के कुल दिन आपको पता नहीं लगेंगे। तो बी कुल कितने दिन काम करेगा, 10 और 5 15, वही टोटल वर्क में टाइम लगने वाला। शुरू से लास्ट तक बी भी रहा था तो वही टाइम आपका बी का आएगा। लेकिन आप अलग अलग क्वेश्चन के रिप्लाई कर सकते हैं इस लाइन को देखते हुए, सॉल्यूशन को और लैंग्वेज को दोबारा आपको रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन में कहा गया था ए कितने दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो आंसर इज 10 days। 10 days। समझिए एक बार इस क्वेश्चन को, जरा देखिए अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बड़ा ही मजा आता है अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ जाते हैं और लाइन ड्रॉ करनी आपको आ जाती है, किस तरीके से हम इस लाइन को खींचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं, प्रैक्टिस करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तीन आदमियों का क्वेश्चन आ गया है और इसमें ऐसा ही है जैसे जैसे कह रहा है, एक एक लाइन को पढ़िए, ऐसे ऐसे अपनी पिक्चर ड्रॉ करते चले जाइए, क्वेश्चन आराम से आपसे जो है बन जाएगा। जिसका टाइम दिया है उसका टाइम लिखो, जिसका टाइम उसने जो है कहा है कुछ दिन के बाद छोड़ देता है उसको छोड़ दो, बचे हुए काम के हिसाब से वो खुद निकल के आ जाएगा। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10, 15 and 30 days सेपरेटली। दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टार्ट। कुछ दिन के बाद, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर 1 day ऑफ हिम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 3 days। देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया है ये हमें कैलकुलेट करना है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10, 15 and 30 days सेपरेटली। दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 1 day ऑफ हिम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 3 days। देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई दैम डूइंग इट कैलकुलेट टाइम टेकन बाई दैम टू कंप्लीट द होल टास्क। पूरा काम कंप्लीट करना है, वही काम करो। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। टोटल कितना निकल के आया, 30। 10 या 30, 15 दूनी 30, इससे कम 30। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। अब आगे बढ़िए, उसने कहा तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। पिक्चर ड्रॉ करिए अपनी, मान लिया इस पॉइंट से ये दीवार बनानी स्टार्ट की हमने, इस तरीके से बनती हुई जा रही है और यहाँ पर जा करके काम कंप्लीट हो गया है। तीनों आदमियों को एक साथ लगाया गया है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ लगा दिया। ये यहाँ से दीवार बनानी इन्होंने स्टार्ट की, उसने कहा कि कुछ दिन के बाद ये चला गया, तो ये टाइम इस बार गायब है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कह रहा है ऐसे बनाते चले जाइए। कुछ दिन के बाद ए चला गया, तो जो बचे हुए हैं उनको लिखो, बी और सी बच रहा है। उसके एक दिन बाद, अब ये दोनों काम करते हुए चल रहे थे, उसके एक दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया, अब कौन बचा, अब सी बचा। और सी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देता है कंप्लीट, 3 दिन में। आपको क्या करना है, जितने
व्यक्तियों का हमें टाइम पता है, उनको कैलकुलेट करिए। पहले सी का 3 दिन का निकाल लो, फिर बीसी का 1 दिन का निकाल लो, टोटल में से इतने को माइनस कर दो, बचा हुआ काम इन तीनों आदमियों से करा देंगे। तो सी से 3 दिन कराओ, सी 1 दिन में करता है 1, और 3 दिन में कितना कर देगा 3, इतना हमने निकाल दिया है। अब बीसी से 1 दिन कराओ, बी और सी 1 दिन में कितना काम करेंगे, ये यहां पर डेज लिखो ताकि आसानी रहे आपको समझने में। बी और सी 1 दिन में करेंगे 3 काम, इसने अपने हिस्से का किया, इसने अपने हिस्से का, 2 और 1 3, और इनसे एक ही दिन का काम कराना है हमें, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा 3, 3 ये आ गया, 3 ये आ गया, टोटल कितना हो चुका है 6, 30 में से 6 निकाल दिया, बचा 24। इस बचे हुए 24 काम को किस किसने किया है, इन तीनों आदमियों ने। तो 1 दिन में कितना करते हैं 3, तो 5 और 1 6, तो तीनों 1 दिन में करते हैं 6 6 6 24, 4 डेज आपका ये निकल के आ जाता है। और इसको हम बना लेते हैं 4 सर्कल में। अब समझिए, जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया, अब ना ही तो सॉल्यूशन देखना है ना ही लैंग्वेज देखनी है, समझिए क्या क्या निकाल सकते हैं। बताइए टोटल काम कितने दिन हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 4 और 1 5, 5 और 3 8 दिन में। बताइए कि कितने दिन तक उन लोगों ने 7 काम किया, केवल लैंग्वेज बदल रही है। बताइए कितने दिन तक 7 रहे, तो आपका 4 दिन तक 7 रहे। बताइए ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बताइए बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, यहां से शुरुआत की थी, यहां पर जब तक आप इसको नहीं निकालोगे बी का टाइम नहीं निकल सकता, बी यहां पर गया है, तो 4 और 1 5, तो बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, आपका 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बताइए बी और सी कितने दिन तक 7 रहे, तो बी और सी यहां तक 7 थे, शुरुआत से 7 चले थे। अगर ये कैलकुलेट नहीं किया गया तो बी और सी का 7 का टाइम नहीं निकाला जा सकता, तो बी और सी शुरू से 7 रहे, इस पॉइंट तक 7 थे, 4 और 1 5 आपका आंसर होगा। बताइए सी कुल कितने दिन काम करता है, सी शुरू से और लास्ट तक था, तो 4 और 1 5 और 3 8, 8 आंसर होगा आपका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल काम का हमसे टाइम पूछा है 4 और 1 5 और 3 8, तो आंसर आपका आ जाता है भैया 8 डेज। जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है हम सारी की सारी डिस्कस करके चल रहे हैं, जिससे कि आपका जो माइंड है वो कंसेप्ट को डेवलप कर सके और आपके समझ में आए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है हम सीख सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए जल्दी से एक बार इसके सॉल्यूशन को, अगर कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जल्दी से करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए इस क्वेश्चन को, अब आपको यह समझ में आ गया है कि जब तक टोटल काम नहीं निकाला जाएगा, क्षमता नहीं निकाली जाएगी, क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फटाक से आप जो है टोटल वर्क निकालिए, क्षमता निकालिए और अपने आप जो है लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए अच्छे से जो है। अगर आप इस काम को करते हैं तो आई एम श्योर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। करिए प्रैक्टिस, जल्दी अपना आंसर छोड़िए, देखते हैं कौन सबसे पहले अपना कमेंट छोड़ता है। ए बी और सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15, 20 एंड 30 डेज सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर, आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिम। इस बार बीच का टाइम गायब है, देखो ए का दिया है और बी का गायब कर दिया बीच का। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 2 डेज, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द होल टास्क। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15, 20 एंड 30 डेज सेपरेटली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर, आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिम बी लेफ्ट द वर्क, द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 2 डेज, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट द होल टास्क। जल्दी से इसको करिए, सबसे पहले टोटल वर्क आपको निकालना है, सोल्व करते हैं। ए 15 दिन में कर सकता है आपका, ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। टोटल काम आ गया 60, तीनों से कटेगा, 15 चौका 60, 20 थिया 60, 30 दूनी 60, टोटल काम निकाल लिया है, उनकी क्षमता निकाल ली है। इस चीज़ में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, आई होप इस चीज़ को तो आप आराम से बना पा रहे होंगे। उससे आगे बढ़ते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं।
छोटा कर लेते, तरफ देखो यहां पर अब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं अपनी। मान लिया इस पॉइंट से दीवार हमने बनानी स्टार्ट की इस तरीके से, और यहां पर जाकर के कंप्लीट हो गई है। उसने कहा तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, तीनों को लगा दिया ए प्लस बी प्लस, ये काम करना स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि चार दिन के बाद, तो चार दिन तक तीनों साथ रहे, चार दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है जी, ए को लिखा और काट दिया, कौन कौन बचा उसको लिखो, बी और सी। इन्होंने इस दीवार को ऊपर बनाना शुरू किया। उसके कुछ दिन बाद, तो इस बार ये बीच का टाइम गायब है, उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, बी को भेज दिया। बचा कौन, सी, और सी बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, टू डेज में। ये टाइम दिया है, ये दिया है, बीच का गायब किया है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिया है उसको कैलकुलेट करो, सी का दो दिन का काम निकाल लो, तीनों का चार दिन का काम निकाल लो, इन दोनों को जोड़ देना, टोटल में से घटा देंगे, बचा हुआ काम बी और सी से करवा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। करिए पहले तीनों से जो है चार दिन काम कराओ, चार तीन सात और दो नौ, तीनों मिलकर के एक दिन में नौ काम करते हैं, चार दिन में कितना कर देंगे 36। सी से दो दिन काम कराना है, सी एक दिन में कितना करता है दो, और दो दिन ही आपको काम कराना है, चार 40 हो चुका है, 60 में से 40 निकाल दिया, बचा 20, और इस बचे हुए 20 काम को किस किसने किया होगा, इन दोनों ने, बी और सी ने, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 5, 5 × 20 4 डेज हमारा निकल के आया। जल्दी से देखिए इसको, किसी को इस चीज़ को कैलकुलेट करने में कोई समस्या तो नहीं है। क्या किया है हमें, ये भी दिया था और ये टाइम दिया था, पहले तीनों से चार दिन काम कराया, चार और तीन सात और दो नौ, एक दिन में नौ हुआ, दूसरे दिन नौ हुआ, तीसरे दिन आपका नौ हुआ, चौथे दिन नौ हुआ, तो 9 × 36। फिर सी से दो दिन काम कराओ, सी एक दिन में दो काम करता है, दो दुनी चार, 36 इतना काम, चार ये, तो 36 और 4 = 40 हो चुका है, टोटल 60 था, 60 में से 40 माइनस कर दिया तो कितना बचा आपका 20। अब इस 20 को किस किसने किया है, 20 को किया है बी और सी ने, बी और सी से कराइए, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 5 × 20, तो ये आ जाता है आपका 4, और इसको हम कर देते हैं आपका 4 डेज को सर्कल में, जिससे कि हम कैलकुलेट या अच्छे से पहचान पाए कि क्या चीज़ हमने निकाली है। अब इसका आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें आप, क्या कह रखा है, तो पूरा काम बताना है, पूरा काम निकालोगे आप, 4 और 4 = 8 और 2 = 10, बताइए सी कुल कितने दिन तक काम पर रहा, शुरू से था लास्ट तक था, तो 4, 4, 8 और 2 = 10। बी और सी कितने दिन तक साथ काम करते हैं, जब तक ये नहीं निकलेगा, यहाँ पर दोनों अलग हुए हैं, बी और सी शुरू में साथ थे और यहाँ तक साथ थे, तो 4 और 4 = 8 दिन तक साथ थे। बताइए कि बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, बी यहाँ पर गया है, जब तक आप ये नहीं निकालोगे बी का टाइम पता नहीं लगेगा, तो बी इस पॉइंट पर चला गया है, तो 4 दिन ही और 4 दिन ही है, टोटल कितना हो गया 8 दिन। बताइए बी और सी अकेले कितने दिन साथ रहे, तो बी और सी, यहाँ पर तो ए भी साथ था इनके, लेकिन यहाँ पर दोनों अकेले साथ थे, बी और सी 4 दिन तक एक साथ रहे। अब पूछा गया बताइए टोटल, तो टोटल तो आपने कैलकुलेट कर ही दिया, 4 और 4 = 8 और 2 = 10, तो आंसर कितना आ जाता है 10 days। 10 days आपका आंसर आ गया। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही बेहतरीन आपके कंसेप्ट है, अगर आप ये पिक्चर ड्रॉ करना सीख जाते हैं, कैसा भी क्वेश्चन है आपसे बनेगा ही, कोई भी प्रॉब्लम वाली है। अब जब आपने इन चीजों को सीख लिया है, तो देखो इसी क्वेश्चन को एक बार हम क्या करते हैं, सेम डिजिट लेते हैं, और मैं आपको जो है अब ये बताता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को खुद भी बना सकते हैं, 50, 20 और 30। कल तो हमारा वही रहने वाला है 60 का चौका। अब इस पर अलग अलग क्वेश्चन बना के लाइन हमने, मैंने कहा कि तीन साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आदमियों को लगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ। अब हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक बार जो है थोड़ा सा आदमियों को बदल के देख, तो को एक साथ साथ पर काम पर लगाया, कहा गया दो दिन के बाद काम छोड़ देता है, जरूरी नहीं है हमेशा ये छोड़ेगा, कौन कौन बचा, तीन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, बचा हुआ काम ए ने किया, करिए कैलकुलेट, उन्हें एक साथ क्या दो दिन के ओके 3 दिन बाद सी चला गया, बचा हुआ काम ए ने, क्या बताइए काम कितने,
जो दे रखा है उसको कैलकुलेट करो, तीनों से दो दिन काम कराओ, चार तीन सात सारा, ए और सी से काम कराओ, ए और सी दिन में छः करेंगे सारा करेंगे, है माइनस कर दो ना बचा चौबीस, इस चौबीस काम को कौन करेगा, चौबीस काम को करेगा अकेला ए, अकेले ए से करा दो, सिक्स सी निकल आ गया, क्या आपने निकाला सिक्स, जो पूछा गया है इसमें से क्या जा सकता है, टोटल काम पूछा केवल ए का पूछा है, क्या कितने दिन करता है, छः दिन, कुल एक छः और तीन नौ ग्यारह है, ग्यारह दिन में सब चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इसको फिर से हम लाइन को चेंज करते हैं, इनको फिर डिजिट सेम है, लाइन चेंज करते हैं, आ गया शुरुआत ए ने की, दो दिन के बाद, ऐसा कई बार होता है आपने पहले एक मिस्त्री को लगाया है, उसके बाद दूसरे को लगाया, फिर तीसरे को लगाया, बीच आ भी सकता है, जा भी सकता है, ए दो दिन तक रहा, दिन के बाद बी भी आ गया, ए जी आ गया है, अब यहाँ कौन कौन हो गए, ए और बी, के बाद ये आ गया, अब यहाँ कौन कौन, ए बी और, एक दिन के बाद मान लिया ए चला गया, तो अब कौन बचा, और सी, और इन दोनों ने काम को कंप्लीट, इसको लाइन को दूसरे तरीके से बना दिया है, ए किसी काम की शुरुआत करता है, दो दिन के बाद बी आता है, के बाद उन्हें ज्वाइन कर लेता है, और एक दिन के एक दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, बचे हुए काम को बी और सी ने, बताइए पूरा काम कितने करिए, पहले ए से दो दिन काम कराओ, एक दिन में चार करेगा आठ, ए और बी से काम कराओ, ए और बी एक दिन में करेंगे चार तीन सात कर देंगे, तो से एक दिन काम कराओ चार तीन सात दिन में कितना नाइन होगा, टोटल कितना हो गया तीस आठ अड़तीस हो चुका है, साठ में से अड़तीस निकाल दिया तो आपका बाईस बचा, इस बचे हुए बाईस काम को कौन करेगा, आप बी और सी से करा दो, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, पाँच पाँच बीस तो बाईस, ये चीज़ आ गई, फ्रैक्शन में आई है वैल्यू, देखो इस बार तो हमने फ्रैक्शन में सर्कल में कर दिया, पूछा गया बताइए टोटल काम कितने दिन में होगा, तो जोड़िए, अब बात आती है इन्हें जोड़ने की, कुछ बच्चों को इन्हें जोड़ने में समस्या हो सकती है, तो जोड़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पहले इनको टोटल कंप्लीट वालों को जोड़ो, देखो ये जो बात होती है इसको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, अगर ऐसे लिखा है 20 बटे 3 संग 18 और 2 20, ये मिश्रित भी हमने लिख दी, जितनी बार मैक्सिमम चला अगर कंप्लीट नहीं करता है 3 संग 18 और बचे हुए को ऊपर लिख दिया, और नीचे जिससे डिवाइड कर रहे थे वो तो लिखा ही जाएगा, इसी बात को आप तोड़ करके ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस 3 बटे 2, तभी तो अगर ये बात दी होती है हम इसको ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं 6 3 18 इसमें गुना करके इसको जोड़ के ये बना देते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे एक है इसके तो 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना, तो 18 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, एलसीएम 3 आया 18 और 2 20 बटे ये आ गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है है सही 2 बटे 3, इस बात को 6 प्लस 2 बटे 3 ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है, और इस बात को अगर कोई बात ऐसे लिखी हुई है उस बात को समेट के ऐसे लिखा जा सकता है, तो देखते हैं हम अपने सवाल में चलते हैं, इसमें कहा गया था बताइए टोटल काम, तो पहले जब हम इनको जोड़ रहे हैं ये तो आराम से जुड़ जाएंगे 4 3 7 और 1 8, तो हमारा बन गया ये 8 प्लस 4 कितना था 2 बटे 5, इसी बात को आप ऐसे लिखो, पहले प्लस में लिख दिया इनको तोड़ के, तो जो कंप्लीट वैल्यू है उसको जोड़ दिया 8 और 4 12, 12 प्लस 2 बटे 5, और अभी मैंने आपको देखो नेक्स्ट पेज पे ही बताया कि अगर ये बात ऐसे लिखी है तो इसको ऐसे समेट के और इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, तो जब 12 प्लस 2 बटे 5 लिखा है इसको 12 सही 2 बटे 5 भी हम लिख सकते हैं, प्लस के साइन को बीच को गायब बीच में से गायब करके ऐसे लिख सकते हैं, तो यही बात अगर आप देखते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए तो पहले कंप्लीट वैल्यू को जोड़िए 2 3 5 और 1 6, 6 और 4 2
और तीन पांच और एक छह, छह और चार दस, दस सही दो बटे आठ कहां से आया, ये जब हम जोड़ रहे थे तो पांच और एक छह, छह था ये, यहां पर आठ नहीं था, ये था छह, सिक्स, तीन दो पांच और एक छह था आपका ये, तो छह तो हमारा कंप्लीट ही आ गया था, छह प्लस चार सही दो बटे पांच, दो बटे पांच ये छह था, छह और चार कितना बनेगा दस, ये देखो। अब इसी बात को समेट के जब आपने लिखा तो कितना बन गया दस सही दो बटे पांच। तो जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू आपको जोड़नी है पहले कंप्लीट वैल्यू जोड़ दीजिए, दो और तीन पांच, पांच और एक छह, छह और चार दस, दस सही दो बटे पांच, डायरेक्ट इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। और बनाते हैं क्वेश्चन इस पर, इस लाइन को फिर से हटाते हैं, नई लाइन बनाते हैं फिर से। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को कैसे भी बनाया जा सकता है। देखिए अब कहा गया, मान लिया सी से शुरुआत की गई है, सी स्टार्टिंग में आया, कुछ दिन काम करता है, यह हमें नहीं दे रखा कितने दिन काम कर रहा है, उसके बाद इसे ए ज्वाइन कर लेता है। अब ये ए और सी हो गए यहां पर, उसके दो दिन के बाद बी भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है, उसके दो दिन के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों व्यक्ति काम कर रहे हैं, के एक दिन के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, तो कौन कौन बचा, ए प्लस बी, और ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किसी भी तरीके का क्वेश्चन, और ये बचा हुआ काम जो है इन्होंने मान लिया तीन दिन में कर दिया, तो अगर आपको सी का टाइम, जिस जिसका आपको टाइम पता है उस उसका कैलकुलेट करिए, और बचे हुए का व्यक्ति का काम बचे हुए व्यक्ति से, बचा हुआ काम बचे हुए व्यक्ति से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पहले ये निकाल लो, ए बी से तीन दिन काम कराओ, ए और बी एक दिन में करते हैं सात, तीन दिन में कर देंगे 21, तीनों से एक दिन काम कराना है, चार तीन सात और दोनों एक दिन में हो जाएगा आपका 9, ए और सी से चार और दो छः और दो दिन काम कराना है, छः दूनी 12, तो देखो कितना हो गया 30, 40 और दो 42, 42 हो चुका है, 42 8 50 और 10 18 बचा, और इस 18 को किसने किया है, सी ने, सी एक दिन में कितना करता है दो काम, 9 डेज इसका कैलकुलेट कर दिया हमने, तो सर्कल में किया, जो पूछा जाए निकाल दो। तो जैसा चाहे आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस एक बार आपको ये लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और ये कंसेप्ट अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी इससे जो आगे चलेंगे, जिसमें काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ता है, उस टाइप में हल्का सा चेंज है बस, अगर वो आपके समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइप में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझिए एक बार इनको अच्छे से देखिए, और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कीजिए, फिर से आपको जो है वो कंसेप्ट अच्छे से थोरली समझाया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों आप उसको जो है नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए आज का वीडियो हम अपना जो है यहीं तक रखते हैं, आप पूरे वीडियो को रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए एक बार और, देख करके इसको जो है जो भी कंसेप्ट है सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा के देखिए। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जो है जो हमारा लिंक है क्लास का वो शेयर कीजिए, जिससे कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी जो है थोड़ा सा अच्छा कर पाए, उनके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो पाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।